नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला पंचायत का चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा की अनीता चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर 12 मत से निर्वाचित घोषित की गई। इस तरह श्रीमती चौहान दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज हुई हैं। श्रीमती चौहान और श्रीमती ठकराला के निर्वाचन होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर ढोल धमाकों के साथ जश्न मनाया। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत वार्ड सदस्य के चुनाव में इस बार भाजपा के 6 उम्मीदवार, 3 भाजपा के बागी उम्मीदवार, 2 कांग्रेस, 2 जेएस उम्मीदवार विजय हुए थे। इस तरह से बहुमत के आधार पर जिला पंचायत पर भाजपा का काबिज होना लगभग तय माना जा रहा था। सिर्फ निर्वाचन की औपचारिकता शेष रह गई थी। निर्वाचन प्रक्रिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की ओर से अनीता चौहान और कांग्रेस की ओर से सुश्री हजरीबाई अजनार ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें श्रीमती चौहान को 12 मत मिले, वहीं सुश्री अजनार को मात्र 1 मत मिला। इसी तरह जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर सुरेखा ठकराला निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों जिला भाजपा कार्यालय पर भाजपा संगठन की बैठक में चर्चा का राय शुमारी कर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनीता नागर सिंह चौहान और जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर सुरेखा वकील सिंह ठकराला के नाम पर सहमति बनकर मोहर लगी। गौरतलब है कि इसके पूर्व भाजपा की हिंगलीबाई रावत पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज हुई थी, दूसरी बार अनीता चौहान बनी थी, तीसरी बार पुनः अनीता चौहान अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई। इस दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने विजय होने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। श्रीमती चौहान के जिला पंचायत अध्यक्ष और श्रीमती ठकराला के उपाध्यक्ष बनने पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराला, जोबट विधायक सुलोचना रावत, पूर्व विधायक माधव सिंह डावर, भाजपा नेता किशोर शाह, भदुभाई पचाया, इंदर सिंह चौहान, भगवती प्रसाद जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष रितेश डावर, नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष मग्गू परवाल, युवा नेता विशाल रावत सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बधाइयां देते हुए इसे भाजपा सरकार के विकास कार्यों की विजय बताई।